हेलो क्लास 11 स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज ऑनलाइन क्लास। आवर टुडेज टॉपिक इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव अंडरस्टूड, वी हैव गॉन थ्रू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वी आर गोइंग थ्रू चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन एंड वी हैव अंडरस्टूड अबाउट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वी सॉ द फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू जी इंटू एम वन इंटू एम टू अपॉन आर स्क्वायर। वी अंडरस्टूड अबाउट how force of gravitation acts between two masses of m1 into m2 kept at a distance of r, and now we'll move forward to acceleration due to gravity of earth. But before that, I gave an assignment to you, a assignment question, and I hope that you have tried to solve it. If you have tried to solve, then check yourself. Let us see the solution of it, because that question was worth solving. Very important question, very interesting kind of question. And that question was asking, a mass of object, yeah, a mass M, capital M, is broken into two parts of masses M1 and M2. How are M1 and M2 related so that the force of gravitational attraction between the two part is maximum? What it is asking, let us see. ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट था कैपिटल एम मास का और ये दो पार्ट में टूट गया। ये क्या हुआ, दो पार्ट में टूट गया, ये दो पार्ट में ऐसा टूटा समझ लो, और पहले का मास है m1 और दूसरे का मास है m2। ठीक, वी डोंट नो कि ये आधा आधा में टूटा है, दैट 1/3 या 2/3 में टूटा है, या ये 25% है, ये 75% है इसका, वी डोंट नो राइट नाउ। बट द रिलेशन बिटवीन इट इज बींग आस्क्ड, बोलता है कि किस कितने पार्ट में टूटा होगा, ऐसे कितने कितने पार्ट में, मतलब ये इस टोटल मास का ये कितना होगा, इस टोटल मास का ये कितना होगा, और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लो आर है, ताकि इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, जी इज इक्वल टू m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये मैक्सिमम हो। ऐसा कैसे टूटे, ये दोनों पार्ट कैसे टूटे, कितने पार्ट्स में टूटे, मतलब कितने पार्ट्स, मतलब कितने रेशियो में टूटे, किस हिसाब से टूटे, कि इन दोनों फोर्सेस के बीच का, इन दोनों मासेस के बीच का फोर्स मैक्सिमम हो। वी ऑलरेडी नो दैट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डिपेंड्स ऑन द मासेस, तो इनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा दैट विल बी डिपेंडिंग ऑन इट। आर के बारे में यहां नहीं सोचना है, डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि वी ऑलरेडी, इट इज, लेट अस अज्यूम टू बी आर। सो व्हाट वी कैन डू, यस वन थिंग वी कैन डू, लेट अस सी, very interesting thing, very new concept as well as very interesting, easy one to understand also. Let the total mass be m, yes total mass m, pehla mass, first part ka mass m, m1, jisko hum log maan lete hain m, small m, dusre part ka jo tootne ke baad bana dusra part, uska hum log m2 maan ke rakhe, bol ke rakha hai question mein, m2 will be equal to capital m minus small m, pehle ka mass m hai to pure mein se छोटा मास m निकाल दिए तो बचा हुआ m माइनस स्मॉल m बना। और हम लोग जानते हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलता है फोर्स f इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स g इंटू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर, जिसमें से m1 की वैल्यू को स्मॉल m ले लिए, m2 की वैल्यू को कैपिटल m माइनस स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। इट मींस दैट मल्टीप्लाई करते हैं, f इज इक्वल टू g अपॉन r स्क्वायर इंटू m कैपिटल m माइनस स्मॉल m माइनस m स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हुआ, m स्क्वायर बन गया स्मॉल m का स्क्वायर। नाउ सी, व्हेनेवर वी विल सी समथिंग लाइक सच काइंड ऑफ रिलेशन दैट समथिंग इज मैक्सिमम एट सर्टेन वैल्यू ऑफ इट, एक फिजिकल क्वांटिटी दे दिया है, उसकी वैल्यू तभी मैक्सिमम होगी जब कोई रिलेशन पूछ रहा है। ऐसे कंडीशन में यू जस्ट यूज अ मैथमेटिकल टूल डिफ्रेंसिएशन, और डिफ्रेंसिएशन में हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज की वैल्यू मैक्सिमम तब होती है जब उसका डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू जीरो आता है। मींस df by dm विल बी जीरो एट व्हाट सिचुएशन व्हेन f will be maximum,
when F will be maximum, at that time F, that force will be maximum, the gravitational force will be maximum at what time, at what, not what time, at what situation, when its differentiation will be zero. D by df, df by dm is equal to zero. Let us put the value of F here, d by dm. Why we are differentiating with m only? हम लोग क्यों इसको differentiate कर रहे हैं F से, m से? नीचे में m क्यों है, dm क्यों है? Because we want to know the relation between that two masses, broken masses. हम r से भी कर सकते थे अगर distance की बात करता तो. But here we have the question is asking about the relation between the mass. So d by dm of g by r square into capital M into small m minus m ka square is equal to zero. Differentiation ko andar le aate hain, constant ko bahar le aate hain. Maan lete hain hum log r constant hai, de le liye, decided hai. So g by r square is equal to, ab dekho differentiation of bracket ke andar kya hai, m into m, capital M into small m. तो कैपिटल एम तो पहले से एक कांस्टेंट है, कैपिटल एम बाहर आ गया. इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाय डीएम ऑफ स्मॉल एम माइनस डी बाय डीएम ऑफ एम स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. जी बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू एम, मतलब डी बाय डीएम ऑफ एम. डी बाय डीएक्स ऑफ एक्स क्या होता था, वन होता था, यस ये भी वन हो जाएगा. माइनस डी बाय डीएम ऑफ एम स्क्वायर, जो पावर में है उसको बाहर ले आओ, सामने ले आओ, 2 into x to the power 2 minus 1, yani ki 2 into m to the power 2 minus 1, 2 minus 1, 1 hua, yani 2m is equal to 0. Now see, g by r square is a constant, it will not be having any value of 0, because g will not be 0. G ki jo value hai 0 nahi honi, tab ja ke 0 hota. It means that ये m माइनस टू एम है वही जीरो होगा. m माइनस टू एम इज इक्वल टू जीरो मीन्स m इज इक्वल टू टू एम, यानी कि ये जो छोटा m है, पहला पार्ट जो है इसमें से हमको क्या मिल रहा है, m इज इक्वल टू टू एम. इट मीन्स दैट m इज इक्वल टू m बाय टू, मतलब ये जो पहला पार्ट है ना, पहला पार्ट है वो इसका आधा है. अब ये इसका आधा है, मतलब आधा ये हुआ, मतलब M1 is equal to M2 के बराबर होगा. M1 is equal to M2 के बराबर होगा, तभी इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा, सबसे ज्यादा होगा, R को अगर कांस्टेंट लेके चलते हैं हम लोग तो. सो दिस वाज द क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल एज इजी वन. सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ. Acceleration due to gravity of Earth. We have already gone through the concept of acceleration. हम लोग acceleration के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं. And now we are talking about acceleration due to gravity of Earth. We already know that Earth is applying a force on every object around us. That is a gravitational force, and we call it as weight. इसी के कारण तो हम लोग weight force को महसूस करते हैं. You can see an example. If I'll keep a duster over my head, I'll feel a force on myself towards the center of the earth, isn't it? मैं अपने ऊपर एक, अगर एक duster को रखता हूँ तो मुझे एक feel होता है कि मेरे ऊपर एक force लग रहा है. That is the weight of this object, of this duster. This is the weight of this object, isn't it? It will be having, that is not a weight like 1 kg, is the mass. 1 kg is the mass. What's the weight then? What is the weight? Weight is equal to mass into acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. How the concept came to be? How the concept came to be? We already know that F is equal to mass into acceleration. Now when we talk about weight force, matlab W, to ye kyon hota hai? Weight kyon banta hai? Because of mass of that object and acceleration created by Earth. What is this g over here? ये है acceleration due to gravity of Earth, g. And we'll talk about it in relation to the our universal law of gravitation. So see, let us assume this is our Earth, whose mass is capital M, and an object of mass m, small m, is kept on its surface. उस surface के ऊपर रखा हुआ है, Earth के ऊपर रखा हुआ है small m mass का. So what will be the, radius
सॉरी व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट दिस टू ऑब्जेक्ट्स दैट विल बी द रेडियस ऑफ द अर्थ सी सेंटर ऑफ द अर्थ अप टिल द सर्फेस विल बी द रेडियस एंड वी कैन सी दैट रेडियस ऑफ दिस मास स्मॉल एम will be very small in comparison with small capital R. Capital R के सामने इस object छोटे से object का radius बहुत कम होगा. तो इसके center से लेकर इसके center से distance लेना है हमें. We always talk about center to center distance of every object. So here the distance between two object will be R. So now let us consider a mass m kept on the surface of Earth. Earth का mass है capital M, radius है capital R. Then the Newton's law of gravitation बोलता है कि F is equal to क्या बन जाएगा G into capital M into small m upon R square. And we already know जब mass of small m is kept on the surface of Earth, it experience a gravitational force in form of weight due to acceleration due to gravity. और इसी force को हम लोग W is equal to M into G बोलते हैं. अभी यहाँ पे F बोलते हैं, यही F force तो वो object पे महसूस हो रहा होगा ग्रेविटेशन के कारण. इसका मतलब ये फोर्स और ये फोर्स दोनों बराबर है. इसमें इट मींस mg इज इक्वल टू कैपिटल g इनटू जो कि हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है कैपिटल m मास ऑफ अर्थ इनटू स्मॉल m मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन r स्क्वायर दोनों के बीच का डिस्टेंस. सी दिस इज स्मॉल m एंड दिस इज स्मॉल m गेट्स कैंसिल एंड g इज इक्वल टू कैपिटल g इनटू कैपिटल m अपॉन r स्क्वायर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ अपॉन r स्क्वायर. हियर यू कैन सी from this relation that acceleration due to gravity, acceleration produced in an object when it falls from a height, it does not depends upon the mass of this object. See, small m is not there in this formula. इस formula में small m नहीं है. अगर इस duster को भी मैं इस earth के सामने पास में रखता हूँ तो इसमें जो acceleration provide हो रहा है, acceleration जो provide हो रहा है earth के gravity के कारण, वो इसके mass पे depend नहीं कर रहा. Doesn't depend upon it. See, the formula is saying that the value of g is independent of mass, size, and shape of the body falling under gravity. Falling under gravity. अगर Earth से थोड़ी ऊंचाई में, ज्यादा ऊंचाई की बात करेंगे तो उसके लिए हम लोग देखेंगे variation कैसे होता है. इस formula में कुछ variation होगा. ज्यादा height में जाएंगे तो distance between the object and Earth center. Distance between the object center and the earth center will change. Because of that, acceleration due to gravity will also change. Because ye r ki value wahan pe radius of earth ke barabar nahi rahegi. But whatever will be the condition, it will not depend upon the mass of this object. Mass of the object pe depend nahi karega. Haan, earth ke mass pe depend kar rahe. Capital G into capital M aa raha hai. So this was the acceleration due to gravity. So now let us see a numerical, but it is related with the concept only. Let us see radius of Earth diya hua hai, R e is equal to 6.37 into 10 to the power 6 meter. 6.37 into 10 to the power 6 meter. Gravitational constant g ki value we already know. Capital G is equal to 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. Acceleration due to gravity is equal to g is equal to 9.1, we already know that, meter per second square. What is the mass of earth? To chalo pata karo ki mass of earth kya hai, earth ka kitna wajan hai, kitna mass hai. So given re is equal to 6.37 into 10 to the power 6, g is equal to 6.67 into 10 to the power minus 11 newton meter square per kg square, constant hai. G is equal to 9.81 meter per second square acceleration due to gravity. To find mass of earth capital M, so we already know right now we have derived a expression g is equal to acceleration due to gravity is equal to capital G into capital M upon r square. Yahan se m ki value nikalna hai, baki sab ki value pata hai humko, to isko akela chhod dete hain. Capital M is equal to small g into r square upon capital G. Let us put the value 9.81 into 6.37 into 10 to the power 6 ka square, yaad rakhna square ka hai, r ki value ka square hai, upon 6.67 into 10 to the power minus 11. When we will solve it, try to solve, you will get mass of earth is equal to 5.97
5.97 इंटू 10 टू दी पावर 24 केजी। देखना इसको सॉल्व करना, देखो इसको आप स्क्वायर बनाना, ये 10 टू दी पावर 12 हो जाएगा, ये 10 टू दी पावर 11 जाके ऊपर में 10 टू दी पावर माइनस 11 ऊपर में जाके 11 बन जाएगा और उसके साथ ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे, विल गेट 5.97 इंटू 10 टू दी पावर 24 केजी। इतने किलोग्राम का हमारा अर्थ है। फॉर्मूले किसी ने भी वजन नहीं किया है ना, किसी वेइंग मशीन से नहीं किया, बट वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम हियर। In the same way, if we know the mass of Earth, then we can calculate the value of G at the surface of the Earth. Mass of Earth is 5.97 into 10 to the power 24 kg. So as I have already told, variation in acceleration due to gravity. अगर किसी height surface, अगर Earth के surface में object रखा हुआ है, तो G की value वैसे निकाल सकते हैं आप। जो होगा G इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। अगर वो कुछ हाइट में हो और वो हाइट इतनी हो कि वो सिग्निफिकेंट कोई वैल्यू बनाए, ऐसा नहीं कि 10 मीटर 5 मीटर, रेडियस ऑफ अर्थ के सामने वो कुछ भी नहीं होगी, मगर अगर हाइट कुछ ज्यादा हो तो G की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी अफेक्ट होगा, उसमें कुछ ना कुछ अफेक्ट पड़ेगा। लेट अस सी व्हाट कैन बी द इफेक्ट। लेट अस अज्यूम दैट दिस इज द ऑब्जेक्ट, सॉरी दिस इज द अर्थ ऑफ रेडियस कैपिटल आर, मास कैपिटल एम, एंड एंड एन ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट बी। बी पॉइंट पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है स्मॉल एम मास का, वो जो पॉइंट बी है वो एच हाइट की डिस्टेंस पे है, एच हाइट पे ऊपर रखी हुई है। सो टोटल डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ सेंटर एंड द मास सेंटर को हम क्या बोल सकते हैं, आर प्लस एच, इज इट। So we can see, consider a mass of object small m, mass of earth capital M, radius of earth capital R, height at which the object is situated h, acceleration due to gravity at point A. अब देखो ध्यान देना, ये अगर सरफेस में होता यही ऑब्जेक्ट A पॉइंट पर, तो acceleration due to gravity यहाँ पे क्या होता, G is equal to capital G into m upon R square. ये तो हमने देखा, अभी derive किया, equation 1 डाल देते हैं, acceleration due to gravity at point B. अब देखो R क्या था, actually distance between the object and, पहले केस में डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ, नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ इज आर प्लस एच। सो लेट अस पुट द वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पर क्या होगा, जी एच, नया एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मान लेते हैं, जी छोटा सा एच इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट को हमने आर माना था, चलो आर प्लस एच हो गया, अब R plus H का होल स्क्वायर, इक्वेशन 2 बना लो, इसको दोनों को डिवाइड करो, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को डिवाइड करो, G is equal to, G H क्या है, acceleration due to gravity at point at a height H is equal to G into M upon R plus H का होल स्क्वायर और अपॉन G into M upon R square। देखो G into M कैंसिल होगा, R इसका स्क्वायर ऊपर जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, R square upon R plus H का whole square. See what we can do, R square ऊपर में है तो R square यहां से निकाल लेता हूं मैं ब्रैकेट के बाहर, तो ये R है, बाहर निकलेगा square के साथ में, R square हो जाएगा और ये H upon R बन जाएगा, ब्रैकेट के बाहर square ही लगे रहेगा, R square कैंसिल हुआ, what we can get G, अच्छा देखो यहाँ पे रिलेशन यहीं पे काम का आ गया हमारे पास ना, जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये तो हमको मिल गया, ये रिलेशन मिल गया, मगर एक और चीज जानने के लिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमको, आर स्क्वायर कैंसिल हुआ, 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। ये ऊपर ले आते हैं हम इसको, रेसिप्रोकल कर दें, सॉरी इसको ऊपर ले आते हैं तो 2 दी पावर माइनस 2 ले सकता हूं, इसको 2 दी पावर 2 था ऊपर गया, 2 दी पावर माइनस 2 हो गया न्यूमरेटर में गया। तो अब हम लोग वी नो अबाउट बाइनोमियल थ्योरम, अ थ्योरम इज देयर इन मैथमेटिक्स, इफ बायो स्टूडेंट्स आर गेटिंग कंफ्यूज्ड, एक थ्योरम होता है, जस्ट नो अबाउट इट, अदरवाइज वी हैव ऑलरेडी गॉट दिस रिलेशन, यहाँ पे हमको मिल गया, बट जस्ट टू नो एक थ्योरम होता है बाइनोमियल थ्योरम, उसके थ्रू हम लोग ऐसे किसी वैल्यू की इजी सॉल्यूशन जान सकते हैं। तो अगर आर बहुत छोटा है, ये डिनोमिनेटर एच अपॉन आर में से, सॉरी एच अपॉन आर में से एच आर के सामने बहुत छोटा है, एच आर के सामने बहुत छोटा है और होगा भी, देखना रेडियस ऑफ अर्थ इतना ज्यादा होता है, उसके सामने हाइट कितना भी ले लो, 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर
6.372 टू द पावर 10 टू द पावर 10 टू द पावर 24 के सामने तो बहुत छोटा हुआ। तो ऐसे केस में हम लोग बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं, जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू, ये इसी चीज को हम लिख सकते हैं, 1 - 2H/R। सर कैसे हुआ? डोंट वरी अबाउट इट, इट कैन हैपन, मैथ स्टूडेंट कैन रिलेट, बायो स्टूडेंट इट इज हैपनिंग, जस्ट थिंक लाइक दैट। तो 1 + H/R का होल टू द पावर -2 इज इक्वल टू 1 - 2H/R हो जाएगा अगर हम लोग बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं। कब लगा सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम? जब ये डिनोमिनेटर है यहाँ का वो एच के सामने बहुत बड़ा है, तो 1 - 2H/R हुआ, इसका मतलब जी एच इज इक्वल टू जी इंटू 1 - 2H/R। यहां पे देखना आप, एच की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो 1 - 2H/R जो वैल्यू होगा उसकी भी वैल्यू कम होती जाएगी। देखना, एच की वैल्यू को मैं बढ़ाऊंगा तो 1 से माइनस करना है, 1 से माइनस करना है उसको, ठीक, तो उसकी वैल्यू सिग्निफिकेंट, उसकी वैल्यू कुछ डेसिमल में आती जाएगी। देखना, 1 माइनस कुछ होगा 0.2 तो 0.8 मिलेगा, 1 माइनस 0.3 तो 0.7 मिलेगा। इसका मतलब एच बढ़ते जाएगा और जी एच की वैल्यू कम होती जाएगी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन एच। क्या इसको रिलेट कर पा रहे हैं आप लोग? देखना, एच की वैल्यू हाइट बढ़ाते जाओ तो 1 - 2H/R में से एच की वैल्यू जब बढ़ रही है, देखो न्यूमरेटर में है, 2H/R के न्यूमरेटर में है, उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो वो 2H/R की वैल्यू भी बढ़ेगी, 2H/R की वैल्यू बढ़ेगी तो 1 - 2H/R की वैल्यू कम हो जाएगी, 1 से माइनस हो रहा है ना, कम हो जाएगी, यानी कि जी से ये दोनों एक दूसरे के बराबर कब होते? जब एच की वैल्यू जीरो होती, हाइट बिल्कुल सरफेस में रहता है ना, जीरो नहीं, एच इज इक्वल टू जीरो नहीं, एच एकदम बिल्कुल जीरो होता तो हम लोग क्या बोलते हैं, यहां पे सरफेस में ही है ऑब्जेक्ट एकदम, हाइट जीरो है तो जी एच इज इक्वल टू मैक्सिमम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर। मगर जैसे जैसे हाइट बढ़ते जा रही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होते जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एच। सो ये बात हुई, ये रिलेशन जानने के लिए हमने वो बाइनोमियल थ्योरम को हमने ट्राई किया, अदरवाइज इट वॉज वी वर अनेबल टू गेट दैट थिंग अबाउट गेट दैट थिंग फ्रॉम देयर। नाउ सी, सेम थिंग हैपेंस व्हेन वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ व्हेन वी गो इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ, वैल्यू ऑफ जी चेंजेस, कैसे चेंज होती, बढ़ती कि कम होती, ये भी देखेंगे हम। वेरिएशन ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ डेप्थ इज ई, लेट अस सी दैट ऑल्सो। अर्थ है हमारा, उसका रेडियस आर है, ये देखो ये सेंटर से लेके सरफेस तक की दूरी आर। एक ऑब्जेक्ट है एम मास का जो गहराई में किसी डेप्थ में है, सरफेस से डी डेप्थ में है, सरफेस से मतलब ये सरफेस है हमारा, वहां से डी दूरी पर नीचे, यानी डेप्थ गहराई में डी डेप्थ में है, तो सेंटर ऑफ द अर्थ से उसका कितना दूरी है, R माइनस डी बोल सकते हैं, ये टोटल R और D माइनस कर दो R माइनस डी। तो मान लेते हैं मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज m, मास ऑफ अर्थ कैपिटल m, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ g, सरफेस में रहता तो g रहता एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ d, d डेप्थ में, d गहराई में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, जी डी के बराबर ले लेते हैं, मान लो जी डी, देखेंगे वो कितने के बराबर होगा। एट द सर्फेस ऑफ अर्थ वी ऑलरेडी नो जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, हमने देख चुके हैं, एंड वी नो, हम लोग जानते हैं कैपिटल एम, मास कैपिटल एम, मास इज इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, अरे डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो मास ऑफ अर्थ एम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या होगा सर, अरे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³, नहीं याद आ रहा है तो याद रखिए, 4/3 स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³, ये हुआ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इनटू डेंसिटी, मान लो रो है, मान लो डेंसिटी ऑफ अर्थ रो है, रो इज डेंसिटी ऑफ अर्थ, तो मास ऑफ अर्थ हो गया 4/3 πr³ × ρ, ओके। सो लेट अस पुट द वैल्यू एम ओवर हियर, जी इज इक्वल टू
स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू फोर पाई अपॉन थ्री आर क्यूब इंटू रो अपॉन आर स्क्वायर। देखो आर क्यूब यहाँ पे है, आर स्क्वायर यहाँ पे, दोनों में से स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल होंगे, आर बचेगा, यानी जी इज इक्वल टू फोर बाय थ्री पाई जी आर रो, कैपिटल जी इंटू कैपिटल आर इंटू रो, रो इज द डेंसिटी ऑफ अर्थ। नाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ जी, एट डेप्थ डी, डी गहराई पर, यानी कि डी डिस्टेंस की गहराई पर अगर ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा। अब नाउ सी हियर, यहाँ पे इमेजिन करना पड़ेगा, देखो सेंटर से सेंटर की दूरी लेना है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का सेंटर और ये अर्थ का सेंटर, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो आर माइनस डी होगा, ये तो बात सही है, मगर मास को आप कैपिटल एम नहीं ले सकते। Why? Because कैपिटल एम तो पूरे अर्थ का मास हो गया, मगर वो कुछ जो गहराई पर है, जिस गहराई पर है, जिस डेप्थ में वो है, उसमें बहुत सारा अर्थ का वो सरफेस जो गहराई के ऊपर है, दैट विल नॉट एड अप इन द मास। यहां पे हम सिर्फ उतने की मास करेंगे, मास की बात करेंगे जो इस स्फीयर पे बनेगा। देखो इतने डिस्टेंस के, इतने रेडियस के स्फीयर में जो मास होगा, उतने बस की मास की बात कर सकते हैं हम लोग, उतने बस मास की बात करना होगा, क्यों, क्योंकि उतने का ही ग्रेविटेशन का पुल बनेगा, क्योंकि बाकी तो उसके ऊपर रह गया, दोनों के बीच के डिस्टेंस की बात हो रही है, तो यस दोनों के बीच के डिस्टेंस यानी दोनों के मासेस की बात भी करना पड़ेगा, तो ये मास तो थोड़ा कम हो जाएगा, एम डैश हो जाएगा, मान लो, तो अब हम लोग बोलेंगे कि जी डी यानी कि नया जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है एट डेप्थ डी इज इक्वल टू जी इंटू एम डैश, देखते हैं एम डैश की वैल्यू क्या होगी, जी इंटू एम डैश अपॉन आर माइनस डी का स्क्वायर, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, सॉरी सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस, दोनों मासेस का, अर्थ का मास और वो ऑब्जेक्ट का मास, दोनों के बीच का डिस्टेंस आर माइनस डी का होल स्क्वायर। नाउ सी एम डैश इज इक्वल टू फिर वही वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, 4 अपॉन 3 पाई आर माइनस डी का क्यूब। नाउ सी आर वॉज द रेडियस एट द फर्स्ट केस, नाउ रेडियस इज आर माइनस डी का होल क्यूब, आर माइनस डी का होल क्यूब इंटू रो, डेंसिटी ऑफ अर्थ विल बी सेम। जी डी इज इक्वल टू, लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ एम डैश, जी इंटू 4 अपॉन 3 इंटू पाई इंटू आर माइनस डी का होल क्यूब इंटू रो अपॉन आर माइनस डी का स्क्वायर। नाउ सी वन थिंग हियर, वी कैन गेट अ इजी फॉर्मूला एक्सप्रेशन, आर माइनस डी का होल क्यूब अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर, एक एक कैंसिल कर लेंगे दो दो और बचेगा आर माइनस डी ओनली, तो जी डी इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 इंटू पाई इंटू जी इंटू आर माइनस डी इंटू रो, इक्वेशन टू बोलते हैं इसको, इक्वेशन वन ये, इक्वेशन टू ये, सो वी विल गेट डिवाइडेड जी डी अपॉन जी इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 पाई जी रो आर माइनस डी अपॉन 4 अपॉन 3 पाई जी आर रो, है ना, इक्वेशन वन, सब चीज कैंसिल हो रहा है, आर माइनस डी अपॉन आर बचेगा, देखो 4 अपॉन 3 पाई पाई जी जी रो रो आर माइनस डी अपॉन आर बचा बस, जी डी अपॉन जी इज इक्वल टू आर माइनस डी अपॉन आर, आर को बाहर निकालता हूं मैं यहां से, तो बचेगा 1 माइनस डी अपॉन आर और आर आर कैंसिल हो जाएगा, यानी जी डी अपॉन जी इज इक्वल टू 1 माइनस डी अपॉन आर, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सर्फेस और आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। मतलब यहां पर अगर डी की वैल्यू को बढ़ाते जाओ आप, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता जाएगा। देखो डी की वैल्यू बढ़ेगी, ये डी अपॉन आर की वैल्यू बढ़ेगी, 1 से माइनस होगा उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, 1 माइनस डी अपॉन आर हो रहा है ना, कम होगी तो जी डी भी कम होते जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डेप्थ, मतलब जितनी गहराई में जाते जाएंगे हम लोग, हमको वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती जाएगी, हम जी की वैल्यू कम होती जाएगी। अगर ये डेप्थ आर के बराबर हो जाए, मतलब हम लोग सेंटर ऑफ द अर्थ में चले जाए, ऐसा हो नहीं सकता बाय द वे, जस्ट टेक अ कंडीशन, तो आर अपॉन आर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये डेप्थ आर के बराबर हो जाए, है ना, सरफेस से आर के बराबर हो जाए, ये आर अपॉन आर 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ इज 0,
और सेंटर ऑफ द अर्थ में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हुआ, मतलब वहां पे उस ऑब्जेक्ट का वेट जीरो हो जाएगा, मास जीरो नहीं होगा, कुछ केजी का रहेगा जितना भी है वो, मगर उसका वेट वहां पर जीरो जाएगा, वेटलेसनेस फील होगा हमको, मगर सेंटर ऑफ द अर्थ में हम लोग नहीं जा सकते, मॉल्टन मेटल है वहां तो. ओके, सो सी अ न्यूमेरिकल रिलेटेड टू इट, वेरी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल. एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ जी इज हाफ ऑफ इट्स वैल्यू ऑन सरफेस ऑफ अर्थ. कितने हाइट पर जितना वैल्यू होगा आप, जितना वैल्यू होता है स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, कितने हाइट पर उसका आधा हो जाएगा बता करो. गिव इट्स गिवन दैट इट्स रेडियस इज 6400 किलोमीटर. 6400 किलोमीटर मान लो इसका रेडियस है अर्थ का, तो आर इज इक्वल टू 6400 10 टू द पावर 3 मीटर, या फिर किलोमीटर में रहने दो 6400 किलोमीटर. और बोल रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट हाइट इज हाफ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस, यानी जीएच इज इक्वल टू जी बाई टू. सही है, सहमत हो? टू फाइंड कितने हाइट पे एच इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वी ऑलरेडी हैव गॉन थ्रू, अभी देखे थे ना यहां पे, हमने देखा था यहां पर जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर. ये वाला हम लोग रिलेशन को यूज कर देंगे, यहां पे पता चल जाएगा. देखते हैं, जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, यानी कि जी एच इज इक्वल टू जी इंटू आर अपॉन आर एच, आर प्लस एच का होल स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर का अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर. तो दोनों का स्क्वायर को बाहर नहीं है, ठीक. तो जी एच इज इक्वल टू जी बाई टू लिखे हमने, तो जी एच इज इक्वल टू जी बाई टू रख दिया मैंने, जी जी कैंसल, क्या बचा, वन अपॉन टू बचा, यानी आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन टू, आर प्लस आर अपॉन आर प्लस एच इज इक्वल टू, देखो स्क्वायर को इधर ले आता हूं, अंडर रूट बन जाएगा वन अपॉन टू का होल अंडर रूट, अंडर रूट वन अंडर रूट टू, यानी अंडर रूट वन इज इक्वल टू वन, वन अपॉन अंडर रूट टू, ये आर अपॉन आर प्लस एच की वैल्यू है. अच्छा, इसको हम लोग पलट देते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो आर प्लस एच अपॉन आर इज इक्वल टू क्या होगा, उसका भी उल्टा हो जाएगा, उसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा अंडर रूट टू, यानी कि आर प्लस एच इज इक्वल टू आर इंटू अंडर रूट टू. एच की वैल्यू निकालना है, इस आर को भी इधर ले आओ, एच इज इक्वल टू आर इंटू अंडर रूट टू माइनस आर, आर को बाहर ले आओ, आर इंटू अंडर रूट टू माइनस वन, यानी कि 1.414 माइनस वन, अरे अंडर रूट टू की वैल्यू 1.414 माइनस वन, और आर की वैल्यू अभी क्वेश्चन में दी हुई है, किलोमीटर में ही रहने दो, हमारा भी आंसर किलोमीटर में आ जाएगा, एच की वैल्यू 6400, 1.414 माइनस वन होता है 0.414, मल्टीप्लाई करेंगे तो एच की वैल्यू हमको मिल रही है 2649.6 किलोमीटर. 6400 किलोमीटर में था ना, इसलिए 2649.6 किलोमीटर. इतने हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आधी हो जाती है, यानी कि इतने हाइट पर यू कैन से कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट आधा हो जाता है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी आधा हो जाता है. जो ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस में 20 किलो का है, 20 केजी का है, सॉरी वो 20 केजी का ही रहेगा, वो उसका मास 20 केजी ही रहेगा, कितने भी हाइट में जाए कहीं भी जाए, मगर उसका वेट यहां पर 200 न्यूटन का है सरफेस पर, तो वो 100 न्यूटन का हो जाएगा इतने हाइट पर, 2649.6 यानी कि 2649.6 किलोमीटर ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आधी हो जाएगी. सो आंसर विल बी एट द हाइट ऑफ एच इज इक्वल टू 26 या फिर 2649.6 किलोमीटर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स हाफ ऑफ इट्स वैल्यू एट सरफेस. सो दिस वॉज अ न्यूमेरिकल काइंड ऑफ, इफ समथिंग इज बींग गिवन related to it, a numerical is being given, only the value, put the value, get the answer, such kind of thing will be there, or some kind of relation that aisa ho to itne mein kya hoga, such kind of question comes from here. I hope you have understood the concept behind it, acceleration due to gravity as well as variation of acceleration due to gravity according to altitude, height as well as depth. Aaj humne ye samjha. PDF notes will be given, complete the notes. Try to solve some question from reference books also. This is it for today. Keep studying. Have a nice day.